आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक से नई कविता सीखने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है आदमीनामा। इसके कवि है नज़ीर अकबर आबादी। बच्चों, यहाँ पर पहले हम कवि का परिचय करवाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी को जनता का कवि माना जाता है। उन्होंने जनता के मांगों पर शायरी लिखी। संसार के आम आदमी के जीवन से जुड़े विषयों पर उन्होंने जमकर काव्य रचना की है। एक मामूली सा आदमी किस तरह अपने परिवार, समाज और व्यवसाय से संबंधित परेशानियों को झेलता है, इसकी झलक हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं उस पर भी लिखा हुआ मिलता है। कवि ने इन दोनों के जीवन के सुख दुख को ऐसी हंसी मजाक की शैली में लिखा है कि आगे चलकर हमारे हिंदी के भारतेंदु ने इसका विकास किया। कवि ने उपदेशक की भाषा नहीं बल्कि एक दोस्त की आत्मीय बोली में बातचीत की है। इसी कारण जिंदगी की कठोर सच्चाई को पाठक आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ हुआ हमारा कवि का परिचय। अब हम देखते हैं थोड़ी सी कविता के बारे में परिचय लेते हैं और फिर उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बच्चों, आदमीनामा यह कविता एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के अति महत्वपूर्ण घटक मनुष्य की असलियत, उसकी कमियों और उसके गुणों को सरल शब्दों में व्यक्त किया। इस कविता में उन्होंने हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का इस्तेमाल किया है। यह कविता सरल सहज हमारे मर्म को छू जाती है। यह कविता मनुष्य को ही संबोधित की हुई है। इस व्यंगात्मक कविता में मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को उजागर किया है। इस कविता में कवि ने मनुष्य की कमियों को दिखाकर उसके मानवीय गुणों को अच्छे तरीके से उभारते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य अपने अच्छे गुणों को उभारकर इंसान, जिस तरह हमारे हाथों की उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह इस संसार में लोगों में भी भिन्नता होती है। आदमी के अंदर जो सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को कवि ने बहुत ही खूबी से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जैसे कि एक तरफ वे आदमी को बादशाह, मालदार, मालिक मानते हैं, तो दूसरी ओर आदमी को प्रजा, गरीब और नौकर भी मानते हैं। बच्चों, आदमी में उन्होंने हथियारा भी दिखाया है और रक्षक भी वे वहाँ पर दिखाते हैं। तो ये है हमारे संसार में लोगों की भिन्नता। बच्चों, ये कविता बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। बस इसमें उर्दू भाषाओं के कुछ शब्द आने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो आज हम यहाँ पर उन कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं और फिर हम उस कविता को सीखेंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं इस कविता में आए हुए कठिन शब्दार्थ। जैसे कि बादशाह यानी राजा, मुफलिस यानी गरीब, गदा भिखारी, जरदार यानी मालदार, नियमत यानी स्वादिष्ट भोजन करने वाला, बेनवा का अर्थ है कमज़ोर, इमाम यानी नमाज पढ़ने वाला, दिलपजीर यानी दिल को लुभाने वाला, ताड़ता भाप लेना, अशराफ यानी शरीफ लोग, वजीर यानी मंत्री, खुद बखवा यानी कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, मुरीद का अर्थ है भक्त, नजीम दुनिया को अच्छा बना सकता है, कवि का भी नाम है और उसका दूसरा अर्थ होता है मिसाल, जान मारना यानी प्राण नौछावर करना। यहाँ पर इस कविता में बच्चों हमें देखने को मिलता है कि पगड़ी उतारना यह भी एक मुहावरे का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है अपमान करना। तो बच्चों, यही नज़ीर अकबर आबादी की खूबी रही है कि उन्होंने इस कविता में
मुहावरों का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से ये जो कठिन शब्द हैं और इस कविता का जो परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आपको अपने नोटबुक पर लिखना है और इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो बच्चों कल हम इस कविता के पदों को पढ़ेंगे और उनकी जानकारी हासिल करें।